हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज है 14 अगस्त और आज है स्पेशल डे, यहाँ बन रही है खीर। तो आज ना मेरी अक्षु का बर्थडे है और यहाँ पे ना बस मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, और ना ज़्यादा ना मैं क्या करूँ बना नहीं पाई थी, क्योंकि अभी बस यहाँ पर जब खाने पीने की तैयारी करी तभी थोड़ा सा बना पाई थी। यहाँ पर छोटा सा व्लॉग है तो इसे फुल वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। खीर मेरी बन चुकी है और वो खीर बना के मैंने ना फ्रिज में रख दी थी, और उसके बाद यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद क्या हुआ ना, शाम को ना सभी लोग आ गए थे और फिर काम इतना ज़्यादा था, मतलब फ़ोन हाथ में लेने का ना मुझे टाइम ही नहीं मिला। इतना सब कुछ करते करते ना अकेले सब कुछ मैंने ये यहाँ पर सारा जो है खाना पीना बना लिया था। मटर पनीर की सब्जी और जीरा राइस बनाए थे और खीर बनाई थी, और इसके साथ बनी थी फ्रेंड्स पूरी। जब खा रहे थे जब भी गर्मा गर्म बनी थी, तो ना मैं ना बस ज़्यादा व्लॉग आज का नहीं बना पाई हूँ। और बर्थडे जब सेलिब्रेट किया तब भी ना मैंने फ़ोन दे दिया था, और थोड़ा बहुत जो है वीडियो किस बनाया है जिसने भी बनाया है, और ज़्यादा ना बन नहीं पाया। तो यहाँ पे बस सब्जी की तैयारी कर लेते हैं, और आप लोग ना मेरी अक्षु को बहुत सारे विशेष दीजिएगा कि उसका बर्थडे है आज। तो बस यहाँ पे ना तैयारी करने के बाद जो है ना सभी लोग आना शुरू हो गए थे, और छोटा सा सेलिब्रेट किया था, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हस्बैंड जी तो फिर भी नहीं आए थे, उनके पास ना टाइम नहीं था, शॉप कह रहे आज शॉप बंद करूँगा जल्दी आ जाऊँगा, तो कल 15 अगस्त है, फिर 15 अगस्त की भी छुट्टी हो जाएगी। इस वजह से तो सारी तैयारी जो है ना मैंने यहाँ पर अकेले ही करी थी। और फिर केक लाना था, मार्केट जाना था, और मतलब बर्थडे जो है ना डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान लाना था, वो सब ना मेरे को अकेले लाना पड़ा। अक्षु, अक्षु बर्थडे कैसे मनाओगे? बर्थडे? अरे मारो नहीं दीदी को, अभी मस्ती मारे। अक्षु हैप्पी बर्थडे, बोलो थैंक यू। देखो अभी मस्ती में आ रखी है। तो ये देखिए, ये है हमारे अक्षु का यहाँ पे बर्थडे केक। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही वीडियो बना है, मतलब ठीक से ना बनाया भी नहीं है। ये देखिए, ये मोमबत्ती जला के ना मैं मंदिर में रखने जाती, क्योंकि फूंक मारते ना सारी बुझ जाते, तो सारी मोमबत्तियाँ बुझानी नहीं होती है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एंड करते हैं।